दोस्तों, राजस्थान की राजनीति की पल पल की अपडेट सबसे पहले मैं आप तक लेकर आया हूं। मैंने शुरुआत से बताया कि जरूर मोदी और शाह का जलवा पूरे देश के अंदर मोदी के नाम का आंधी तूफान जलजला देखने को मिलता। भारतीय जनता पार्टी के नेता जरूर ये कहते हो कि इस दौर के सबसे बड़े चाणक्य अगर कोई है तो अमित शाह है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने साबित कर दिया कि राजस्थान की राजनीति की वो महारानी है। आप कहेंगे कैसे, आखिरकार भजनलाल शर्मा बने ना मुख्यमंत्री, वसुंधरा तो बनी नहीं। लेकिन यही एक खेल है, यही आप गच्चा खा गए, क्योंकि गोदी मीडिया चीख चीख कर आपको जरूर ये बताने की कोशिश करे कि भजनलाल शर्मा अमित शाह के करीबी, लेकिन हकीकत यह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया की पहली पसंद ही भजनलाल शर्मा है। उनकी ही शह पर, उनके ही गुट वाले 96 विधायकों ने भजनलाल शर्मा के नाम पर मोहर लगाई, जिसके बाद मजबूरन राजनाथ सिंह को भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान करना पड़ा। आज मैं आपके सामने सबूतों के साथ आऊंगा, पूरे सबूतों के साथ आऊंगा कि कैसे वसुंधरा राजे सिंधिया ने पर्दे के पीछे रहते हुए एक बड़ी बाजी खेली और मोदी और शाह को चित कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। सबसे पहले मैं कुछ वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, वो वीडियो देखना इसलिए जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अब तक आपने रमन सिंह, जब विष्णुदेव साय बने रमन सिंह साइडलाइन हुए, इधर शिवराज सिंह चौहान साइडलाइन हुए, मोहन यादव बने, तो वहीं तीसरा सबकी नजर टिकी हुई थी वसुंधरा राजे सिंधिया पर। उनको डर लग रहा था, बीजेपी के तमाम नेताओं को डर लग रहा था कि अगर यही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाला खेल हमने अगर राजस्थान के अंदर किया तो वसुंधरा राजे गुट के लोग सड़क पर उतर आए, ये होगा, ये हम सब जानते हैं होता है। जैसा कि आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा था, ऐसे ही कुछ छत्तीसगढ़ के अंदर हो रहा था, लेकिन ये वसुंधरा राजे सिंधिया की तरफ से नहीं हुआ। पहले ये वीडियो देखिए थोड़ी सी, फिर मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। वीडियो देखिए। अच्छा, क्या लगता है बाबा के साथ में अन्याय हुआ है? अन्याय हुआ बाबा के साथ, हुआ बाबा के साथ में। पूरे 5 साल की रेनियों के करीब बाबा ने पूरे 5 साल मेहनत की है बाबा ने। हम इस चीज का जो आप लोकसभा में देंगे, बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को अवगत कराते हैं कि आदिवासी क्या चीज होती है। तो अब ये लोग सड़क पर उतरे, ये सड़क पर कौन उतरे आप जानते हैं? ये वसुंधरा राजे गुट के नहीं है। अब आप मानकर चलिए, वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री बनना था, 96 विधायक उनके साथ खड़े हुए थे, 96 विधायक का मतलब समझ लीजिए उनके कितने समर्थक होंगे, यानी जो उनका विधायक चाहता है, जिसको चेहरा बनाना चाहता है, अगर वही चेहरा ना बन पाए तो उनके समर्थक क्या करेंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया के खुद के भी समर्थक होंगे, लेकिन आप यकीन मानकर चलिए, वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर नारेबाजी करने वाला, हंगामा खड़ा करने वाला एक कार्यकर्ता सड़क पर नहीं उतरा, एक कार्यकर्ता सड़क पर। उसकी वजह जानते हैं क्या है? वजह यह है क्योंकि उन्होंने पहले ही संदेश दे दिया, यहां मोदी और शाह के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, यहां वसुंधरा राजे सिंधिया के जो खासम खास है उनको बनाया गया। पहले मैं आपको बता दूं भजनलाल शर्मा कौन है, भरतपुर से वो विधायक चुनकर आए, पहली बार विधायक चुनकर आए, और पहली बार जो टिकट दी गई थी वसुंधरा राजे सिंधिया के कहने पर ही भजनलाल शर्मा को दी गई थी, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने। अब इसे आप कैसे भी करके ले सकते हैं कि वो पर्दे के पीछे सरकार चलाएंगी क्या होगा, लेकिन मोदी और शाह की रणनीति और राजनीतियां चल नहीं पाई। वसुंधरा राजे सिंधिया जब राजनाथ सिंह पहुंचने वाले थे, उससे पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको मीटिंग भी दिखाई थी, उस मीटिंग में खबर निकल कर सामने आई, उसी मीटिंग में तय कर लिया गया था कि राजनाथ सिंह के सामने बातचीत की जाएगी, देखा जाएगा, और अगर ऐसा लगता है कि बात नहीं बन पा रही तो उनका मनपसंद यानी मोदी और शाह का मनपसंद व्यक्ति कतई राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, बनेगा तो हमारी पसंद का बनेगा। ऐसे में नाम तलाशा गया था और उसी मीटिंग में तय हो गया था कि भजनलाल शर्मा। पहले ये वीडियो भी मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूं कि जिस वीडियो में आपको राजनाथ सिंह बैठे दिख रहे हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया दिख रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया की हाथ में पर्ची है, वो राजनाथ सिंह को देती हैं, वो मना कर देते हैं, बस ये होता है। इसे अलग अलग तरीके से पेश किया गया कि राजनाथ सिंह ने पर्ची दी थी, राजनाथ सिंह ने बताया था कि पर्ची पे उसका नाम है, जिसे देखकर चौंक गई वसुंधरा राजे सिंधिया, चौंकी नहीं थी क्योंकि उनके ही मनपसंद व्यक्ति है। अगर ऐसा होता, मानकर भी चलिए मैं मानता हूं कि वसुंधरा राजे सिंधिया हार गई, तो किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक जैसे हल्ला मचा रहे, सबसे ज्यादा बगावत का नाम किसका तेज हो रहा था? वसुंधरा राजे सिंधिया का ना। वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वसुंधरा के इतना ज्यादा वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम तेज चल रहा था और अचानक उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, उनके समर्थक चुप बैठ जाएगा, आपको लगता है?
और कहीं गूगल करके देख लीजिए, ट्विटर पर जाकर देख लीजिए, कहीं आपको वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक सड़क पर उतरे हुए नहीं दिखेंगे। क्योंकि पहले ही संदेश दे दिया गया था राजनाथ सिंह के आने से पहले कि अगर वो भी नहीं बनते तो एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा जो वसुंधरा राजे सिंधिया का खासम खास। और देखिए बन गए, भजन लाल शर्मा बन चुके हैं और इसी बात को लेकर पेट में मरोड़ उठ रहे किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों में। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा लगातार कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते रहे, साबित हुए नहीं हुए बात की बात है। उन्होंने अभी हाल ही में आरोप लगाया था कि एक गणपति प्लाजा है उसमें एक लॉकर है, उस लॉकर में करोड़ों रुपए रखे हुए हैं, 500 करोड़ रखे, तमाम चीजें जब खोला गया था नहीं मिला, तो ये सब चीजों से वो माहौल बनाते रहे, उसके जरिए अपने समर्थक खड़े कर लिए। शुरुआत में तो कह रहे थे किरोड़ी लाल मीणा की मैं रेस में नहीं हूं, लेकिन अपने समर्थकों को छोड़ दिया, वो सड़क पर चीख चिल्ला रहे। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया का एक भी समर्थक सड़क पर उतरा नहीं, इस बात का सबूत है कि वसुंधरा राजे सिंधिया वहां की महारानी है। उन्होंने बीजेपी में साबित कर दिया रहकर कि राजस्थान में अगर किसी की चलती है तो वसुंधरा राजे सिंधिया की चलती है। नमस्कार, सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।